सागर में लगे रतौना में बने गोकुल ग्राम में गाय बछड़ों को अंक विद्या सिखाई जा रही है। बछड़े नंबर सुनकर अपनी माँ के पास दूध पीने चले आते हैं। बछड़ों को इस प्रकार ट्रेनिंग दी जाती है कि वे अपनी माँ के नंबर को सुनते ही बाहर आ जाते हैं और अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं। इस गौशाला में करीब 350 गायें और बछड़े हैं। उनकी पहचान नंबरों से होती है। ये बछड़े भी अपना नंबर बखूबी जानते हैं। गोकुल ग्राम में गायों को रखने के लिए गौशाला और बछड़ों को रखने के लिए बाड़े बनाए गए हैं। सुबह शाम बाड़े के गेट पर एक ही रंग के बछड़े इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है अब माँ का दूध पीने को मिलेगा। ग्वाले जैसे ही माँ का नंबर पुकारते हैं, बछड़े एक एक करके अपनी माँ के पास दूध पीने पहुंच जाते हैं। 50 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
गौशाला के केयरटेकर अशोक ने बताया वे यहाँ 14 साल से काम कर रहे हैं। बछड़ों के जन्म से ही वे उनके साथ समय बिताते हैं और उन्हें नंबरों से पुकारने लगते हैं। धीरे धीरे बछड़े नंबर समझने लगते हैं। कुछ समय तक बछड़ों को माँ के पास रखा जाता है, फिर बाड़े में ले जाया जाता है। गाय की संख्या बार बार पुकारने से बछड़े समझ जाते हैं। सर जब उनके जन्म होता है तो रहते हैं छोटे छोटे, उनको अपन थोड़ा निगाह फिरा कर उनका, फिर उनका नंबर बोलो, माँ का नंबर दिया जाता है उनको, तो माँ के नंबर से उनको बुलाते देते हैं। कम से कम 15 दिन हो जाते हैं उनके लिए, फिर आगे आगे अपन थोड़ा उनका बता दें कि नंबर, जैसा हम हिंदी बोलते हैं भैया भैया करते हैं, उस हिसाब से बुलाते हैं तो वह नंबर से आते हैं यहाँ पे। गोकुल ग्राम के प्रबंधक डॉक्टर एस के पचौरी ने बताया कि गाय और बछड़ों का रंग एक जैसा होने से उनकी पहचान में दिक्कत होती है, इसीलिए यहाँ के केयरटेकर अशोक ने गाय बछड़ों को नंबर दे रखे हैं। गाय को पहले नंबर अलॉट कर देते हैं। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन्हें भी गाय का नंबर दे दिया जाता है। गोकुल ग्राम में उन्नत नस्ल की गाय से जन्मे बछड़ों को रखा गया है। हमारे यहाँ गाय जब से बच्चे को जन्म देती है उसके बाद उसको एक नंबर हमारे यहाँ हर गाय को अलॉट कर दिया जाता है पहले से। वो नंबर जो है वो जब वो कोलेस्ट्रम फीडिंग करता है बच्चा, जो 4 से 5 दिन तक, तो कोलेस्ट्रम फीडिंग में बच्चा उसके साथ ही रहता है और उसमें वो गाय को बार बार उस नाम से पुकारा जाता है और बच्चे को भी उसी नाम से पुकार के उसके सामने उसको दूध पीने के लिए बुलाया जाता है। तो वो क्या होता है, जब 4-5 दिन उसके साथ रहता है और फिर वो मिल्किंग में, जब मिल्किंग में आ जाती है जो कि दूध कोलेस्ट्रम से फ्री हो जाता है, तो फिर उसको अलग कर दिया जाता है गाय से। तो पास में ही चूँकि काफ सेट है, काफ सेट से पास में आने वाला जो हमारे व्यक्ति है जो इसको केयर टेकर है अशोक, वो इनको देखता है और आज से ही पिछले 14 साल से वो देखता आ रहा है, तो उसकी आवाज़ को ये गाय भी पहचानती है और फिर बच्चे जो कि नया जन्म है उससे वो भी 5-6 दिन में इनके साथ, इसके साथ में जो है वो उसका थोड़ा सा मिलना जुलना हो जाता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।